इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी और इस बीच इस सुनवाई में फैसले को सुरक्षित रखा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत की याचिका वापस ली है और सिसोदिया ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत यहां पर मांगी थी। फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 30 अप्रैल की वो तारीख जो फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया का यह पूरा मामला, जिसमें सिसोदिया की नियमित जमानत पर फैसले को सुरक्षित राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा दिल्ली में रख लिया गया है। आज मामले पर सुनवाई होनी थी, फिलहाल कोर्ट के द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 30 अप्रैल को कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। तो फिलहाल मनीष सिसोदिया से जुड़ा ये मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई और नियमित जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। मनीष सिसोदिया की कैंपेनिंग के लिए उनके द्वारा कहा गया था कि मुझे जमानत दी जाए, क्योंकि चुनावी सीजन चल रहा है, चुनावी दौर चल रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के एक अहम चेहरे भी हैं मनीष सिसोदिया, तो उनके द्वारा जमानत के लिए याचिका।